हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का 15 सितंबर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो न्यूज़पेपर के अंदर कवर था। तो हम लोगों ने ये न्यूज़ बहुत दिन से सुना होगा, निपा वायरस का केस। और ये क्या है न्यूज़ ना, हर ईयर में कंटिन्यूसली आते रहते हैं, न्यूज़ में रहता है। बिकॉज केरला के अंदर या फिर साउथ इंडिया के अंदर ये वायरस जो होता है इसका ट्रांसमिशन होते रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या, जब भी हम किसी डिजीज के बारे में या वायरस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो निपा वायरस का केस है ये आने वाले दिन में न्यूज में बना रहेगा कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए आज हम इसको अच्छे से डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी वायरस के बारे में, किसी डिजीज के बारे में देखते हैं, ठीक है, डिजीज के बारे में या वायरस के बारे में देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो हमें फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो एक चीज तो हमें क्लियर है ना कि हमारा जो एग्जाम है वो क्या है, हमें यूपीएससी देना है, हमें कोई मेडिकल एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि हमें उतने डिटेल में कवर नहीं करना है, हमें बस उतना कवर करना है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई न्यूज में के अंदर हमारा डिजीज या वायरस रहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, उसका ओरिजिन, या फिर उसका ओरिजिन कब हुआ, ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुआ। सेकेंड जो आता है उसका क्या सिम्टम्स, ठीक उसका सिम्टम्स क्या क्या है डिजीज का, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स के बाद क्या आता है, क्या वो डिजीज जूनोटिक है, मतलब क्या क्या वो सिर्फ एनिमल्स तक ही रहता है या फिर इंसानों में भी आता है, और इंसानों में अगर आता है तो उसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, वो कैसे आता है, एयर के थ्रू आता है या टच के थ्रू आता है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं, इसका कोई क्योर या ट्रीटमेंट है या नहीं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्या इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है निपा वायरस का। तो निपा वायरस कोई न्यू वायरस नहीं है, बट क्या होता है ना कि एज वी नो दैट वायरस जो होता है हमारा वो क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए, जैसे कोविड का है। और आरएनए का जो वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए होता है, ऐसा वायरस वो क्या होता है फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, फ्रीक्वेंटली उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जिसके कारण जो पुराना डेवलप किया हुआ मेडिसिन है या फिर वैक्सीन है वो उस पर इफेक्टिव नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, कोविड-19 भी क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसका। इसलिए क्या है ना कि उसका, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले सोचा क्या हम एक सुई लगाएंगे तो काम चल जाएगा, बट उससे भी नहीं हुआ क्योंकि वायरस मॉडिफाई कर गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू लिया, दो सुई लिया, फिर बूस्टर डोज लाया, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसके अंदर चेंजेस आएगा वायरस के अंदर, कोविड के अंदर, वैसे वैसे जो हमारा वैक्सीन है वो और चेंज होते रहेगा, और हमें न्यू, क्योंकि उसका पूरा पैटर्न चेंज होता है, उसका सिम्टम चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है विथ मॉडिफिकेशन, जैसे जैसे उसके चेंजेस आएगा उसके वायरस के बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। तो इसका ये जो वायरस है ये सबसे पहले आया था हमारा 1988 के अंदर, कहाँ पर, मलेशिया के अंदर, मलेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर रीजन के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है, ठीक है। 1988 के अंदर ये वायरस आया था, सॉरी 1998 1998 के अंदर ये वायरस आया था, मतलब ओरिजिन हुआ था, डिस्कवर हुआ था कहाँ पे, मलेशिया एंड सिंगापुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, क्या ये जूनोटिक डिजीज है। हाँ, ये मतलब क्या, एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है, कैसे। फॉर एग्जाम्पल इस डिजीज का जो नेचुरल कैरियर है, ये भी याद रखना क्या कि हर डिजीज का क्या होता है कि एनिमल से ह्यूमंस तक सभी नहीं पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये देखा होगा क्या, जैसे पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन क्या होता है, वो एक जगह से लेटर को उठा के दूसरी जगह पे लेटर को पहुंचाता है, ठीक है। तो पोस्टमैन क्या होता है, एक तरह से कैरियर का काम करता है। उसी टाइप से कोई भी वायरस जो होता है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर। तो इस केस में क्या है, जो हमारा बैट होता है ना, चमगादड़, ओके, तो चमगादड़ जो होता है हमारा वो क्या होता है इस सिचुएशन निपा वायरस के केस में, वो कैरियर है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है, ठीक।
अब क्वेश्चन ये आता है कि चमगादड़ ट्रांसमिट कैसे होता है। अब हमें पता है क्या कि जो बैट होता है वो क्या होता है, पेड़ पे रहता है, तो नेचुरल से बात है क्या कि कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे एग्जाम्पल पाम ट्री या फिर जो खजूर का पेड़ हो गया, तो उसमें क्या होता है बैट अपना रहता है जाकर वहां पे, फॉर एग्जाम्पल उसने उसका बॉडी में अगर मान लो किसी बैट के बॉडी के अंदर वो निपा वायरस है, ठीक है, और अगर मान लो वो किसी फ्रूट ट्री पे रह रहा है जाके, तो उसका फ्रूट जो होगा वो भी उस चीज से टच करेगा, उस वायरस का ट्रांसमिट हो जाएगा उस फ्रूट के अंदर, और उस फ्रूट को जब इंसान खाएगा तो वायरस इंसानों में आ जाएगा। ये होता है इसका ट्रांसमिशन का मोड, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम हर वायरल जो फीवर होता है या जो हर वायरस जो होता है उसका सिम्टम जो होता है ह्यूमंस में वो मोर और लेस सेम होता है। क्या होगा, आपको फीवर आएगा, हाई फीवर हो गया, मसल्स पेन होगा, वोमिटिंग होगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ये सब चीज का सिम्टम्स होता है, ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं याद रखना है क्या कि इसका कोई डिजीज का कोई क्योर नहीं है, नो क्योर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलरली बीमारी का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग करते क्या है, जैसे फीवर हुआ तो उसको डोलो खिला दिया कि भाई साहब फीवर आपका कम हो जाएगा, हेडेक हो रहा है तो सेरेडन खिला दिया उसको। उसी टाइप से क्या होता है, वी ट्रीट द सिम्टम ऑफ द डिजीज बट वी डोंट हैव द क्योर। हमारे पास ना तो कोई वैक्सीन है ना तो क्योर है इस वायरस से रिलेटेड, तो इसीलिए मेनली हम लोग इसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था जो निपा वायरस के रेफरेंस में आप लोग को याद रखना है क्या, इसका ओरिजिन जहाँ हुआ था हमारा 1988 के अंदर मलेशिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर। सेकेंड, इसका जो कैरियर है नेचुरल कैरियर कौन है, हमारा बैट है, ठीक है, और ये जूनोटिक डिजीज है। देन ये हमारा, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है, नो क्योर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फिर आज का जो सेकेंड न्यूज है हमारा ये वाला, तो क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज में क्या है ना कि हम लोग को पता है कि हम मणिपुर के अंदर 5-6 महीने से बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा है, तो हम उस इश्यू को डील नहीं करेंगे। बट क्या होता है कि उस इश्यू में बार बार आप लोगों को ये ट्राइबल ग्रुप का नाम आता है, मिथिस, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मिथिस है क्या। तो सबसे पहले क्या होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है क्या, कभी भी किसी ट्राइबल बॉडी का, किसी ट्राइब का, ठीक है, किसी ट्राइब का नाम अगर न्यूज में आता है तो सबसे पहले जो हमें जानना है क्या, उसका ओरिजिन कहाँ पे, या फिर उसका होम स्टेट कौन सा है, या उसका ओरिजिन कहाँ पे है। सेकंड, ओरिजिन के बाद अगर मान लिया जाए कि उसका कुछ बेसिक डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल उसका लैंग्वेज क्या है, उस टाइप का कोई कल्चर क्या है, कोई अगर यूनिक कोई कल्चर उसका रेफरेंस है तो हमें वो याद रखना पड़ेगा उस सिचुएशन में, ठीक है। तो उसका कुछ कुछ सिचुएशन क्या होता है, उसका रिलीजन भी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखना पड़ेगा, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, और उसका थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री। तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में हम लोग देखते हैं क्या कि मिथिस ग्रुप का क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या कि हमें एक चीज तो पता है क्या कि जो मिथिस ग्रुप है हमारा वो क्या है, हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है, मणिपुर। मणिपुर के अंदर, ओके। उसके बाद मणिपुर है, मेनली क्या है ना कि ये जो ग्रुप है ये इंडिया और बांग्लादेश, सॉरी म्यांमार बॉर्डर के आसपास है, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके आसपास है। तो क्या है कि इंडिया का जो इंडिया के एरिया में भी क्या होता है, मिथिस ग्रुप मिलते हैं, और मणिपुर हमारा मणिपुर में भी मिलते हैं, और प्लस जो म्यांमार का एरिया वहां भी मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, कुछ जैसे हमारा जो बॉर्डर बना है वो नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है वो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ही डिटेल में बनाया है, हमने बेसिकली क्या किया कि यहाँ से पहाड़ जा रहा है, यहाँ से नदी जा रहा है, चलो इसको बॉर्डर बना दिया इंडिया का म्यांमार का। बट उसके कारण हुआ क्या कि जो ट्राइब्स यहाँ पे पहले रह रहा था साथ में वो क्या हो गया, ड्यू टू बॉर्डर डिवाइड हो गया, ये वाला आ गया इंडिया में, ये वाला आ गया म्यांमार में, ठीक है। तो मतलब क्या कि सेम ग्रुप है, सेम ट्राइब है, सेम फैमिली है, बट कुछ फैमिली मेंबर्स इंडिया में रह गए, कुछ रह गए ट्राइबल्स ग्रुप म्यांमार के अंदर, तो वो कंटिन्यूअसली मूव भी करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि जो मिथिस ग्रुप है मेनली बिलोंग करते हैं कहाँ से, मणिपुर से, और उनके जो एक टाइप से जो ऑरिजिन है या फिर जो रूट है वो कहीं ना कहीं म्यांमार और इंडिया दोनों में मिलता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक इसका कल्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है क्या कि मणि मिथिस ग्रुप जो है उनका लैंग्वेज क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी। और ये जो मणिपुरी है हमारा 8 शेड्यूल के अंदर, जो हमारा 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा। देन जो फिर ये जो मिथिस ग्रुप है
इनका हर लैंग्वेज क्या होता है कि इसका खुद का स्क्रिप्ट होता है। जैसे हिंदी का हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट है, सभी लैंग्वेजेस का स्क्रिप्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो बस एक लैंग्वेज है, उसको लिख नहीं सकते आप भोजपुरी को। बट मिथिज जो है वो क्या है, मिथिज लैंग्वेज जो है वो क्या है, हमारा एक स्क्रिप्ट है उसका। उसके बाद आता है रीजन। तो मिथिज ग्रुप जो है वो बेसिकली जो होते हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले होते हैं। कुछ कुछ अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू हिंदुइज्म। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर भी क्या होता है, वो लोग देखो नॉर्थ इंडिया का जो बेसिक हमारा स्टेट है, जो मेजर स्टेट है, वहां पे हिंदुइज्म के अंदर क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो मूर्ति पूजा होता है वो करते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होता है, हाँ दे फॉलो हिंदुइज्म, बट वो जो मेनली वर्शिप करते हैं वो नेचुरल वर्शिप करते हैं, नेचुरल वर्शिप, ठीक है, क्यों, बिकॉज दे आर ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल जहां जहां आप लोगों को मिलेंगे, मतलब वो जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या होता है, नेचर का वर्शिप करते हैं, किसी पौधे का हो गया या किसी मान लो सन का हो गया या वाटर का हो गया, इस टाइप से चीजों को। एक और इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एक जैसे क्या होता है कि हमारे इधर क्या था, कुश्ती होता है, कुश्ती, कुश्ती के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट्स है हमारा एक टाइप से। उसी टाइप से क्या है ना, म्यांमार के अंदर एक स्पोर्ट्स है जिसके अंदर एक मार्शल आर्ट टाइप का कुछ चीज इंक्लूडेड होता है, जैसे कि उसका नाम है हमारा थांगटा। थांगटा, अब ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है इसमें क्या होता है कि एक टाइप से ये मार्शल आर्ट टाइप का ही क्या है, कुश्ती, मतलब कुश्ती से मिलता जुलता है, मार्शल आर्ट टाइप का है। वहां पे अपना शो दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि थांगटा है हमारा क्या है कि हमारा मणिपुर से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया के अंदर भी इंक्लूड किया है। उसके बाद मणिपुरी हमारा एक क्लासिकल डांस भी है, ये भी याद रखना है कि मणिपुरी हमारा एक क्लासिकल डांस भी है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें याद रखना है मिथिस ग्रुप के बारे में। क्या क्या याद रखना है, पहला तो क्या मिथिस ग्रुप जो है उनका लैंग्वेज क्या है, मणिपुरी है, जो कि 8 शेड्यूल के अंदर आता है। सेकंड, मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसका खुद का एक स्क्रिप्ट है। थर्ड, मणिपुरी जो पीपल है वो कहाँ, वो उनका ये जो कल्चर होता है क्या होता है, नेचर वर्शिप का होता है। उसके बाद वो थांगटा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये क्या है ना कि आपका केस स्टडी के लिए, इथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एज वी नो दैट इंडिया इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, और स्पेशली जो रिलीजन होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो जाए, हर रिलीजन के अंदर क्या होता है ना कि जो सुप्रीम राइट्स होता है या सुप्रीम पोजिशन होता है वहां पे क्या होता है, मैन ही होता है, ठीक है। चाहे वो हम हिंदुइज्म को ले ले, सारे के सारे पंडित मैन, चाहे वो हम लोग मुस्लिम रिलीजन को ले ले, सारे के सारे जो मौलाना होते हैं वो भी मैन, ठीक है। चाहे हम चर्च को ले ले तो सारे के सारे जो हेड ऑफ द चर्च होते हैं फादर, वो मैन, ठीक है, इस टाइप का चीज, या और भी कोई रिलीजन ले लेते हैं हम लोग। तो मेनली क्या होता है कि हर रिलीजन के अंदर क्या होता है, टॉप मोस्ट पोजिशन जो होता है या जो इन्फ्लुएंसिंग पोजिशन होता है वो मेल मेल के पास होता है। बट फर्स्ट टाइम तमिलनाडु के अंदर ऐसा हुआ है क्या कि वहां पे 3 फीमेल असिस्टेंट जो प्रिस्ट होती है, जो मतलब पंडितों का हेल्प करती है, ठीक है ना, मतलब वो फीमेल अपॉइंट हुई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो तमिलनाडु के अंदर ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक चेंज को दिखाता है। तो ये क्वेश्चन ये आता है, ये तमिलनाडु के अंदर ही पॉसिबल क्यों हो पाया है, हमारे नॉर्थ इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर इसलिए हो पाया ना बिकॉज तमिलनाडु का एक जो हिस्ट्री है वो थोड़ा क्या एंटी कास्ट या एंटी स्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री है। जो तमिलनाडु का अगर आप लोगों ने देखा होगा क्या हिस्ट्री के अंदर, पेरियार करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर एंटी कास्ट मूवमेंट या एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया था कि कास्ट सिस्टम जो कहीं ना कहीं जो लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्यों कर पाते हैं, बिकॉज दे यूज रिलीजन, वो रिलीजन का यूज करके कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो हम लोग को सिस्टम को ही चेंज करना है। जैसे तमिलनाडु के अंदर आपको जो भले ही वहां पे मोर देन 80% या 85% जो पॉपुलेशन है हिंदू है, ठीक है, बट वहां पे ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलता है बिकॉज कहीं ना कहीं पेरियार ने जो रूट रखा है एक तमिलनाडु के अंदर वो कहीं ना कहीं आज भी है। तो जैसे पूरे इंडिया में से जितना वैल्यू महात्मा गांधी का है तो मतलब बहुत, उसी तरह तमिलनाडु के अंदर जो पेरियार है उनका आइडियोलॉजी हो गया, उनका वैल्यू हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है तमिलनाडु के हिस्ट्री के हिसाब से और इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी। आप लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस चीज को पढ़ा होगा, जैसे एज ए केस स्टडी में देख सकते हैं हम लोग क्या कि इंडिया का जो ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, वो धीरे चेंज हो रहा है इस टाइप से। ये जो हमारा अगला न्यूज है, ये
अब क्या है ना, हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा टाइम टू टाइम क्या ऐसा न्यूज आता है क्या कि कोई भी स्कूल होता है उसके अंदर टीचर ने स्टूडेंट्स को मारा, ऐसा मारा कि स्टूडेंट्स का डेथ हो गया, या फिर प्रेशर में आके स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, या फिर ऐसा कि स्टूडेंट को ऐसा पनिशमेंट दिया कि पूरा मतलब वो फिर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होकर उसे सुसाइड कर लिया, या फिर ऐसे अभी हाल ही फिलहाल में यूपी के अंदर से एक न्यूज आया क्या कि टीचर ने दो स्टूडेंट्स को बोला कि एक स्टूडेंट था जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता था, उसने दूसरे रिलीजन के स्टूडेंट को बोला कि इसको आप मारो, ठीक है, टीचर ने ऐसा बोला कि एक स्टूडेंट था उसको जो एक रिलीजन से बिलोंग करता था, टीचर ने बोला कि दूसरे स्टूडेंट को मारो जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा न्यूज बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि टीचर जो होते हैं क्लासरूम के अंदर वो कहीं ना कहीं एक जो इनका एक टीचर जो होता है जिनका की मतलब एक तरह से फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो स्टूडेंट को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे, उनको इक्वालिटी का पाठ पढ़ाए, उनको भाई ब्रदरहुड का वो पढ़ाए, ठीक है। बट देखने में ये आता है कि टीचर भी कहीं ना कहीं इंसान ही होता है, तो वो जो कॉमनल पॉलिटिक्स होता है या फिर कॉमनल एजेंडा होता है, ठीक है, उस सब चीज से इन्फ्लुएंस होकर क्लासरूम के अंदर में भी वो अपना जो आइडियोलॉजी होता है वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल कर एज अ पर्सन जो होता है अपना रिस्पॉन्स अपना जो आइडियोलॉजी होता है वो इम्पोज करना स्टार्ट करता है क्लास के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है और इसी को लेकर ये आर्टिकल कह रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि टीचर का काम होता है इक्वालिटी बनाना। क्लासरूम के अंदर क्या होता है ना, टीचर जितना डाइवर्सिफाई स्टूडेंट को करेगा, जितना उनको डाइवर्सिटी का बताएगा, जितना उनको एक्सेप्ट करवाया कि हाँ डाइवर्स इट इज मतलब डाइवर्स ओपिनियन हमेशा रहेगा लाइफ के अंदर। एक फैमिली के अंदर में भी क्या होता है कि अदर अलग अलग टाइप का डाइवर्स ओपिनियन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि फैमिली पे सब मार धार करने लगते हैं। डाइवर्स ओपिनियन इज नॉर्मल, इज नॉर्मल। दो इंसान का मेंटेलिटी कभी भी सेम नहीं होगा, बट वहां पर क्या है कि हमें कॉमन रूट फाउंड आउट करके वहाँ कॉमन चीज जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रहना पड़ेगा, एक दूसरे का डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कभी भी ऐसा नहीं होगा या फिर कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके साथ हमारा 100% मेंटेलिटी मैच करता हो। इसलिए वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंशिएशन, जो डाइवर्सिटी होता है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग को, यही सब चीजें, क्योंकि हम दूसरों का करेंगे तो दूसरा भी हमारा करेगा। तो इंसिडेंट हम लोग को पता है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या क्या है। सबसे पहला रीजन तो क्या है कि इंडिया के अंदर क्या है ना कि एक बहुत सारा क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स है, मतलब प्राइवेट स्कूल्स बड़े बड़े नहीं, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत जगह तो क्या होता है वो रजिस्टर्ड भी नहीं होता है, अपने घर के अंदर में ही वो क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल चला रहा है, मतलब क्या अनऑर्थराइज प्राइवेट स्कूल, ठीक है। तो अब क्या है कि अनऑर्थराइज प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि नॉर्मली जो स्कूल होता है उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी हो अपना एक गाइडलाइंस को अलाउ करता है, रेगुलेशन होता है उनके अंदर में कि ये सब आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है, आपको टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। बट आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी इंसान अपना घर पे स्कूल खोल के प्राइवेट स्कूल खोल के क्लास 8 तक ऐसे चला ले रहा है, या फिर कोई भी आ जा रहा है पढ़ाने के लिए बिकॉज विदाउट एनी एक्सपीरियंस या फिर विदाउट एनी मतलब क्या होता है इथिकल वैल्यूज वो आ जा रहा है करने के लिए। तो हम लोग को तो ये रहा, तो पहला रीजन क्या है इसका कि बहुत सारा क्या है लैक ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। अब बहुत सारा क्या अनऑर्थराइज स्कूल है जिसको रेगुलेशन करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो चीज जैसे बहुत। दूसरा चीज क्या है, टीचर ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पुअर है। पुअर इसीलिए बिकॉज क्या है ना कि कुछ सालों पहले तक क्या था, टीचर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता था। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब बीएड का एग्जाम वगैरह लाया था, कोर्स लाया था, उसके बाद था हमारा टीचर ट्रेनिंग पे फोकस भी गया था, बट बीएड के अंदर भी सिचुएशन ऐसा है कि बस वो नाम का ही टीचर ट्रेनिंग होता है। अगर आप बहुत ही कम ऐसा इंस्टीट्यूट होता है या फिर बहुत ही कम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉलेज होता है, जहाँ पे बीएड में सही सीरियसली होके या फिर सही तरीके से वहाँ पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है टीचर को, वरना ज्यादातर तो बहुत सारे वो बस डिग्री देने वाले हैं, फर्जी है। तो टीचर ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ इंडिया में होता नहीं है। अगर टीचर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है तो मतलब टीचर को पता नहीं है कि कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे उनको संभालना है, कैसे उनको आइडियोलॉजी कैसे काम करता है उनका, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, टेररिस्ट आर नॉट मेड इन आइसोलेशन, दे आर मेड बाय आवर सोसाइटी। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, सोसाइटी में तैयार होते हैं, स्कूल में तैयार होते हैं। स्कूल में अगर उनको इक्वलिटी ट्रीट किया जाएगा तो वो अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, बट अगर उनके साथ मान लो कि बहुत सारा बायसनेस होता है, पार्शलिटी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कल को जाके वो क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो एज अ टीचर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर है वो एक अच्छे सिटीजन बनकर निकले। तो इसके लिए क्या है कि क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे टीचर ट्रेनिंग का, तो हमने तीन इशू डिस्कस किया अभी तक, क्या है कि लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है अनऑर्थराइज प्राइवेट स्कूल्स, थर्ड टीचर ट्रेनिंग का लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, उसके बाद क्या है
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का यहाँ बात किया गया, चट्टोपाध्याय रिपोर्ट। चट्टोपाध्याय रिपोर्ट, तो आपको पर्टिकुलर याद रखना क्या, चट्टोपाध्याय रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली कहा क्या गया है, इसके अंदर मेनली ये कहा गया कि टीचर जो होते हैं, ठीक है, पहला बात तो क्या, टीचर को आप टीचर ट्रेनिंग उसका सफिशियंट होना चाहिए, मतलब क्या क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाओ, प्लस एक सफिशियंट टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता में टीचर ट्रेनिंग के नाम पे आप उसको एक हफ्ता के लिए ट्रेनिंग दे दो और उसको फिर रेगुलर कर दो आप, तो एक हफ्ता में वो सफिशियंटली कुछ सीख नहीं सकता है। तो इसलिए आपको उसको क्वालिटी का ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग दो, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी, ठीक। सेकेंड चीज क्या है कि अब क्या होता है, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, फॉर एग्जाम्पल सेंसस के टाइम पे हो गया, या फिर कोई भी जैसे कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी इंजेक्शन लेना है, वैक्सीन लेना है, कहाँ पर, स्कूल के अंदर। तो मतलब क्या कि कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर क्या हो रहा था, जो टीचर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन वगैरह काम होता है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा था, या फिर कभी कभी क्या होता है सर्वे वगैरह होता है उसमें क्या होता है स्कूल का टीचर का यूज किया जाता है। तो चट्टोपाध्याय रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि टीचर के जो होते हैं उनका मेन काम है पढ़ाना, ठीक है, ना कि ये सब काम करना। तो ये जो जो स्मॉल स्मॉल वर्क होते हैं, माइनर फंक्शन होते हैं, वो टीचर से आप किसी और को शिफ्ट करो, और टीचर का जो मेन काम है उनको स्टडी पे रखो, फोकस करो, जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ठीक है। उसके बाद एक और चीज क्या है कि प्राइवेटाइजेशन। तो अब क्या है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है कि अगर मान लो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लागू कर सकते हैं, बट प्राइवेट स्कूल के केस में क्या होता है कि ज्यादा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर नहीं सकते, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनका खुद का गाइडलाइंस होता है, खुद का एक मैनेजमेंट बॉडी होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस केस में सिर्फ रेगुलेशन या फिर जो होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो रिलीज कर सकता है, बट ज्यादा कुछ कर नहीं सकता प्राइवेट स्कूल के केस के अंदर। तो इसलिए हमको जरूरी क्या है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर में भी थोड़ा सा रेगुलेशन लाए, जिससे कि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक। तो अगर ये सब होता है, टीचर ट्रेनिंग हम लोग देते हैं टीचर्स को अच्छे से, उनके अंदर इथिकल वैल्यू डेवलप करते हैं, तो इस टाइप का जो इंसिडेंट आजकल हो रहा है, तो टीचर भी समझेंगे बच्चों को एक टाइप से, और उनके अंदर में भी कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा। अब एक टर्म आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या होता है इथिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ तो हम लोग को सब पता है, बट EQ क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या होता है, चार स्टेप होता है क्या। पहला तो आप ये समझो कि हाउ आई फील, मतलब मैं जो फील कर रहा हूं वो कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, रूट फाइंड आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में आप तोड़ फोड़ दो सपोज, ठीक है, सोचो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बिकॉज जब तक आप ये नहीं सोचोगे तब तक आप गुस्से से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग सैड देन फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग सैड, बिकॉज इफ यू डोंट फाइंड द रीजन बिहाइंड योर मूड देन यू विल नॉट एबल टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका रूट फाइंड आउट करो। तो आप अपने इमोशन को, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इमोशन में बह मत जाओ, आप रूट फाइंड आउट करो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इमोशन आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है तो क्यों आ रहा है मेरे अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, आपने समझ लिया कि हाँ ये रूट है, इसी कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे मान लो कि मुझे गुस्सा आ रहा है बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है। तो गुस्सा अगर आप सिर्फ फोकस करोगे क्या कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाला है नहीं, लेकिन आपने सोचा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, हाँ क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया रूट, तो अब क्या होता है कि आप अपने मूड को आप मैनेज कर सकते हो। कैसे, मोबाइल खराब हुआ तो ठीक है, देखते हैं क्या खराबी उसमें हुआ है, ठीक, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो चलो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं उसका, या फिर मान लो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो शॉपसी पे हुआ या फिर कहीं से हुआ, मोबाइल देखते या फिर इसको बेच के नया ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से बहते जाओगे तो कभी उस मूड से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे पहला क्या होता है, समझो क्या, हाउ आई फील, ठीक है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील हो रहा है, देन मैनेज योर इमोशन, मैनेज, क्योंकि आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं करोगे तो सिंपल सा बात है ना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा दिखा रहे हो फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ स्टाइल के अंदर एक निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसलिए अपने इमोशन को समझो, देन उसको मैनेज करो, देन सामने वाले के इमोशंस को समझो, ठीक है, कि सामने वाला गुस्सा है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने वाला गुस्सा है उसने गुस्से में दो बात कह दिया तो आप भी चार बात कह दो, बिकॉज उससे तो फिर रिलेशन खराब हो जाता है ना। इसीलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा क्या कि कोई सामने वाला इंसान अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको वहां पे रिएक्टिव होके, ये नहीं कि आप भी गुस्सा करना स्टार्ट करो, आप समझो कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, ठीक है।
उसका रीजन फाइंड आउट करके देन फोर्थ स्टेप क्या है, उस रीजन को रिजॉल्व करो और उसके इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करो। ठीक है, ये आपका पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में हेल्प करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इसलिए इथिक्स का जो पेपर 4 है उसका एक पार्ट है। ठीक, तो एज अ टीचर भी ये सारा क्वालिटी एक टाइप से टीचर के अंदर भी होना चाहिए, बिकॉज टीचर को भी समझना चाहिए क्या कि मैं ऐसा नहीं कि घर में झगड़ा करके आया पत्नी से या पति से और उसका गुस्सा बच्चों पर निकाल रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो टीचर को समझना चाहिए क्या कि हाँ मेरा मैं कैसा फील कर रहा हूँ। चलो मैं अप्स एंड डाउन सभी इंसान के लाइफ में होता है, बट अप एंड डाउन का मतलब ये नहीं कि आप उसका गुस्सा किसी और पर निकालो। एज अ टीचर भी अपना जो अप्स एंड डाउन आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, क्यों फील कर रहे हो, खुद को मैनेज करो। आपका आइडियोलॉजी कैसा भी हो, आपका इमोशन कैसा भी हो, लेकिन आप उसको मैनेज करो। उसके बाद बच्चों के डील कर रहे हो तो ये समझो कि बच्चों का मेंटेलिटी कैसा होता है उसको समझो, देन उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझाओ बच्चों को या उनको ट्रीट करो। ये था इस आर्टिकल के अंदर। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है ये रहा हमारा। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल में क्या है कि हमें पता है क्या कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि बहुत सारा, आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। आज ये न्यू इनिशिएटिव था बिकॉज मैंने एक राइटिंग पैड के साथ स्टार्ट किया ये चीज़, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे डेली बेसिस पे। थैंक यू।